हेलो स्टूडेंट्स, इट इज विनोद आचार्य। नाइन्थ क्लास के इस आठवें चैप्टर में हमने अब तक पढ़ा था कि वस्तु विराम अवस्था में भी होती है, गति की अवस्था में भी होती है। एक कंसेप्ट हमारे पास आया था दूरी और विस्थापन। फिर दूरी और विस्थापन के बाद हमने एक नई चीज पढ़ी थी और उसका नाम रखा था हमने चाल, जो हमें ये बता रही थी कि कोई वस्तु धीमा भी हो सकती है और वो तेज भी चल सकती है। यही एक ऐसा भौतिक राशि थी जो हमें यदि किसी वस्तु के धीमा होने या उसकी गति के तेज होने का पता लगाना है तो हम उसकी चाल निकालते थे। चाल एक हमने पढ़ा था अदिश राशि है और चाल का मात्रक है मीटर पर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। अब जैसे जैसे वस्तु में गति की स्थिति बनी रहती है तो उसकी चाल अपने आप निकलती रहती है। अपने आप से अभिप्राय यह है कि हम उसके द्वारा तय की गई दूरी को, उस दूरी को तय करने में लिया गया जो समय होता है उसको उसे डिवाइड कर देते हैं और हमारे पास जो चाल है उसकी गणना हो जाती है। अब जैसे चाल का एक कंसेप्ट है, चाल जो बनी थी वो दूरी से बनी हुई है और दूरी भी एक अदिश राशि है। इसीलिए यदि हमारा एक ऑब्जेक्ट यहां से चला है, ऑब्जेक्ट इस बिंदु से चला और इस बिंदु हमारा ये मूल बिंदु O है और वह बिंदु A तक पहुंचा है और वह इस रास्ते से गया है। अब यहां से यहां तक की दूरी हमारे पास है, यहां से यहां तक जाने में जितना समय हमारी वस्तु ने लिया है वो समय भी हमारे पास है और हम इस स्थिति में फिर उसकी चाल निकाल सकते हैं। उसके द्वारा तय की गई दूरी को, उसमें इस सारे सफर में जितना समय हमारी वस्तु ने लिया है उसके साथ डिवाइड करके हम उसकी चाल निकाल सकते हैं। अब चाल की जब गणना की गई तो उसमें कहीं भी हमने दिशा को महत्व नहीं दिया, इसीलिए जो चाल है एक अदिश राशि के रूप में सामने आई है। अब इसी वस्तु को हम सीधे तौर पर ए की तरफ मिला लेते हैं और हमने ये मान लिया कि हम जब यहां से चले हैं तो हमारी दिशा ए की तरफ है। इसका मतलब मेरा जो इशारा है वो विस्थापन की तरफ है। ओ से बिंदु ए तक की दूरी तो ये थी और ओ से बिंदु ए तक का विस्थापन ये है। यदि मैं ऊपर वाली दूरी को 400 मीटर मान लू तो ये दूरी मैंने मान ली ये 1000 मीटर, तो ये विस्थापन है। और विस्थापन को यदि हम याद करें कि यह दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है जिसमें प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की तरफ दिशा सहित चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यह विस्थापन है और विस्थापन एक सदिश राशि है। आज जो हम अब पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि जो चाल होती है वो दूरी बने समय होती है। यदि इस समय जब वो चल रही है ऐसे, यदि हम इसकी चाल निकालें, यदि हम इसकी देखो हमारे पास ना इस ऑब्जेक्ट ने दो तरह से चाल निकाली हमने, एक तो इस रास्ते से, पहले रास्ते से इसमें लिया गया जो समय है इसमें तो ली है उसने 100 सेकंड और यहां ली है उसने 50। यहां से यहां पहुंचने में उसने 100 सेकंड का समय लिया है और यहां उसने 50 सेकंड का समय। यदि हम ऊपर वाले में चाल निकालते हैं तो निकालिए चाल होती है दूरी बटे समय। दूरी है हमें हमारी 1400 मीटर डिवाइड बाय 100 सेकंड, 20 से 20 तो हमारा आंसर आया 14 मीटर पर सेकंड। एक चाल दूसरी निकालते हैं हम, लेकिन इस चाल में एक अंत
इसका मतलब ये हो गया कि हमारी ये चाल एक दिशा के साथ है, ये दिशा वाली चाल है जिसमें हमने दो दिशा को भी निर्धारित किया हुआ है। और ये आई हमारी 1000 मीटर डिवाइड बाय 50 सेकंड 10, और ये आया हमारा 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब हमारे मन में एक बात आ रही है कि जब भी हमें चाल निकालनी है तो एक बार तो चाल दूरी बाय समय निकल सकती है जिसमें दिशा का कोई भी महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, या वहां ये मान लें कि वहां दिशा का निर्धारण ही नहीं होता। पर इस स्थिति में जब पहला बिंदु दूसरे बिंदु, जब आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की तरफ दिशा साध कर चला जाता है तो उस समय हम दिशा का निर्धारण भी साथ करते हैं, और उस स्थिति में जो चाल आती है वो हमने ऐसे निकाली। हमने यहां अब इसको दूरी मान लिया है, लेकिन देखा जाए तो ये विस्थापन है, ये दूरी, क्योंकि ये न्यूनतम दूरी है। तो हमने यहां भी फॉर्मूला लगाया है चाल का, जो विस्थापन बटे समय निकाला। अब दोबारा फिर मैं बोलता हूं कि चाल का जो सूत्र हमने लिखा था वो लिखा था दूरी बटे समय, तय की गई दूरी बटे उसमें लगने वाला समय। और आज जो चाल, जब हम दिशा के साथ चाल निकालते हैं तो हमारा जो सूत्र है वो है चाल, वो दूरी, दूरी भी सीधे वाली न्यूनतम दूरी, और न्यूनतम दूरी होती है विस्थापन। तो हमने जो चाल दिशा सहित चाल निकाली है वो आई है, उसका फॉर्मूला हमारे पास आ गया है विस्थापन बटे समय। तो आज जो हमारा आज का टॉपिक है वो है चाल दिशा सहित, चाल दिशा सहित, और दिशा सहित चाल के लिए हमने एक नया ही भौतिक राशि बना रखी है जिसको हम वेग बोलते हैं, जिसे हम वेग बोलते हैं। तो हमने लिखा है दिशा सहित चाल को वेग कहा जाता। और यहां दिशा आ रही है, इसका मतलब हुआ कि यह एक सदिश राशि, यह एक सदिश राशि, यह एक सदिश राशि है। दूसरा, अब हमने वेग की परिभाषा बनाई है, वेग बराबर हुआ विस्थापन बटे समय, चाल हुई थी दूरी बटे समय, और ये हो गया हमारा विस्थापन बटे समय। इसका मतलब याद कीजिए कि चाल थी दूरी बटे समय। हमने बोला था कि दूरी बटे समय को हमने ऐसे बोल दिया था कि इकाई समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। तो यहां से हमारे पास वेग की एक नई परिभाषा हो रही कि इकाई समय में तय किए गए विस्थापन को वस्तु का वेग कहते हैं। अब इसका मात्रक बताइए, मात्रक क्या हुआ? विस्थापन किसमें है? विस्थापन मीटर में मापा जाता है, और समय सेकंड में मापा जाता है, तो इसकी मीटर पर सेकंड। तो इसका जो मात्रक है मीटर पर सेकंड है, याद कीजिए चाल का मात्रक भी हमारा मीटर पर सेकंड ही आया, और ऊपर लिखा हुआ मीटर पर सेकंड। अब चाल को भी हम मीटर पर सेकंड में मापते हैं, और वेग को भी मीटर पर सेकंड में ही मापा जाता है। दोनों में अंतर ये रहता है कि चाल एक अदिश राशि है और वेग एक सदिश राशि है। दूसरा जो एक अंतर ये है कि जब चाल का फॉर्मूला बनाया जाता है वो होता है दूरी बटे समय, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है विस्थापन बटे समय। तो हमारे पास एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में कि
कि चार और वेद में अंतर बताइए, चार और वेद में अंतर बताइए, अंतर बताओ। तो ये दो अंतर तो हमें बिल्कुल सामने ही नजर आते रहते हैं, यहां हम चार लिख दें और यहां वेद। तो पहला तो परिभाषा का अंतर है हमारा, पहली परिभाषा लिखी है यार कि वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी उसकी चाल कहलाती है। इधर लिखने वस्तु द्वारा इकाई समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं, और चाल एक अदिश राशि है और वेग एक सदिश राशि है। याद कीजिए चाल किससे बनी है, दूरी से। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, जमा ही होती है। यदि एक बार हमारा ऑब्जेक्ट यहां से चल पड़ा तो वो चल पड़ा, यदि वो चल पड़ा तो बस वो चल दिया। इसका मतलब ये हुआ कि दूरी, जब भी कोई वस्तु चलती है तो वह दूरी तय करती है। दूरी का हमेशा मान होता है और वैल्यू होती है, परिमाण होता है, और वो हमेशा पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। इसीलिए चाल का मान भी हमेशा धनात्मक मिलता है। दूसरी तरफ जो हमारा विस्थापन है, जिसने वेग को बनाया है, वो याद कीजिए विस्थापन जीरो भी हो सकता है, यह धनात्मक भी हो सकता है पॉजिटिव, और ये ऋणात्मक भी हो सकता है नेगेटिव। ऋणात्मक नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक भी हो सकता है, यह धनात्मक भी हो सकता है, यह शून्य भी हो सकता है। तो जब हम तीसरा अंतर लिखेंगे तो पहले में हमने परिभाषा, फिर हमने ये बताया अदिश राशि, ये सदिश राशि, और तीसरे में हम लिखेंगे कि चाल हमेशा धनात्मक होती है, और वेग में लिखेंगे कि वेग शून्य भी हो सकता है, वेग धनात्मक भी हो सकता है, और वेग ऋणात्मक भी हो सकता है। तो अब तक हमने ये पढ़ा कि वस्तुएं गति करती हुई वस्तुएं के पास चाल होती है, वो दूरी भी तय करते हैं, वह विस्थापन भी होता है उनका, और उसके बाद उनकी चाल होती है, और किसी दिशा में जो चाल निकाली जाती है उस चाल का, जो दिशा सहित जो चाल आई है उसको वेग कहा जाता है। जो इस बात को दोबारा देखते हैं, जो दिशा सहित जो चाल है और उसमें दिशा भी है, उसको हम वेग कहते हैं, उसे हम वेग कहते हैं। और इसमें दोनों चीजें होती हैं, वेग एक सदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब ये हुआ कि इसका परिमाण भी होता है और इसका इसकी दिशा भी होती है। परिमाण के लिए आप मान वर्ड यूज करते हैं, मान को और देसी भाषा में आप वैल्यू बोल सकते हैं, कि वेग जो वेलोसिटी है या वेग है, वेग को वेलोसिटी भी बोला जाता है, हमारे पास इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी हैं, तो वेग को वेलोसिटी भी बोला जाता है। वेग की वैल्यू तो होती है, उसके पास अपना मैग्नीट्यूड भी होता है वैल्यू, और उसको एक दूसरा वर्ड भी हम बोल देते हैं मैग्नीट्यूड। तो ये जो वेलोसिटी जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, वेग है, उसका परिमाण भी होता है और उसकी डायरेक्शन भी होती है। जब इसकी दोनों चीजें होती हैं तो यदि कोई वस्तु चल रही है, देखिए मैं ना एक उदाहरण देता हूँ आपको, यहाँ एक वस्तु ऐसे घूम रही है, एक ऑब्जेक्ट है जो इस वृत्त के चारों तरफ घूम रहा है, यहां से शुरू हुआ है ऐसे, और जब ये ऐसे घूम रहा है तो इसकी जो चाल है वो 5 मीटर पर सेकंड है। आप ये बताइए इसका वेग कितना होगा, क्या इसका वेग उतना ही रहेगा? चाल तो उसने बता दिया हमें कि इसका चाल जो है वो 4-5 मीटर पर सेकंड रहेगी, क्या इसका वेग उतना ही रहेगा या बदलता रहेगा? अब देखिए चार में उसकी वैल्यू होती है 5 मीटर पर सेकंड, इसका तो दिशा के साथ कोई लेना देना नहीं है, पर यहां देखिए जब ये ऐसे चला तो इसकी दिशा इधर है, जब इधर जाएगा तो इसकी दिशा इधर है, इस पॉइंट पे इसकी दिशा इधर है,
इस पॉइंट पे दिशा यहाँ है, इस बिंदु पे इधर जा रहा है तो इधर दिशा, ये हर बिंदु पर यह हर बिंदु पर अपनी दिशा बदल रहा है, यह हर बिंदु पर अपनी दिशा बदल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो वेग है, हमारा जो वेग है या फिर जो दिशा है जिसको हम, जो चाल है जिसको दिशा सहित बताना है, उसमें उसका मान तो उतना ही है पर दिशा उसकी हर वक्त बदल रही है, उसकी दिशा जो है वो बदल रही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस सारे ही सफर में हमारा जो ऑब्जेक्ट है, इस सारे सफर में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वह उसके वेग में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। तो अब जब भी वस्तुएं असमान गति से चलती रहती है तो उसके वेग में परिवर्तन होता रहता है, तो उसके वेग में परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि वेग में दो चीजें हैं, एक उसका परिमाण भी है और दिशा भी है। यदि परिमाण बदल गया तो वेग बदल गया, यदि दिशा भी परिमाण उतना उतना ही है, जैसे इसमें था 5 मीटर पर सेकंड ही और लेकिन दिशा बदली है, तो फिर भी हम बोल देते हैं कि वेग में परिवर्तन हुआ। तो हमारे पास अब ये एक नया चैलेंज हमारे सामने आ गया है कि यदि कोई वस्तु की वेग से चल रही है, कितना भी वेग उसका हो सकता है, क्या उसके वेग में परिवर्तन होता रहता है? तो हमारा उत्तर है यस, उसके वेग में परिवर्तन होता रहता है, कभी उसका मान बदल जाता है तो कभी उसकी दिशा बदल जाती है। तो क्या हम यह भी सोच सकते हैं कि उसके वेग में कितना परिवर्तन हो रहा? क्या हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि एक वस्तु जो इतने वेग से चल रही है, जो जब हमने पहली बार उसको नोट किया था उसका वेग इतना था, दूसरी बार नोट किया हमने उसका वेग इतना है, क्या हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर क्या होगी? तो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर। जब भी वेग में परिवर्तन की दर का मामला आता है सामने, तो हम उसको बोलते हैं, जब भी दर की बात होती है इसका मतलब ये हो गया कि एक निश्चित समय में, इकाई समय में वह वेग में परिवर्तन की बात कर रहा है। तो हम नीचे हमेशा समय लिखेंगे, ऊपर वेग में परिवर्तन, और इस ये नई एक भौतिक राशि हमारे सामने आ चुकी है कि वेग में परिवर्तन की जो दर होती है वह क्या होती है, क्या वेग में परिवर्तन की दर को मापा जा सकता है? यदि उसको मापा जा सकता है तो उस इकाई का क्या नाम है, उस नई भौतिक राशि का क्या नाम है, क्या उसको वेग में परिवर्तन की दर बोले या उसका कुछ और नाम है? तो उसका नाम है त्वरण, उसका नाम है त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोला जाता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोला जाता है। तो हम ये परिभाषा लिखेंगे कि त्वरण किसे कहते हैं, त्वरण वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और त्वरण को या जब वेग एक सदिश राशि है तो इसके परिवर्तन की दर भी एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, और इसको इंग्लिश में एक्सेलरेशन भी बोला जाता है, एक्सेलरेशन। और त्वरण हमारा हुआ वेग में परिवर्तन बटे क्षण। तो अब हम मान लो किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग
जब वो चली चल रही है, जब हमने नोट किया उस समय उसका वेग था यू है, यू इट्स यू है, तथा अंतिम वेग बी है। समय अंतराल को टी माना गया है, जितने समय तक हमने नोट किया समय अंतराल को टी लिया जाए तो त्वरण कितना होगा, वेग में परिवर्तन पहले कितना था U, बाद में कितना हुआ V, और यहां एक बात और है कि V U से बड़ा है ये मान लेते हैं, या इसको मान भी नहीं होता आप छोड़िए। तो हमारा परिवर्तन कितना हुआ, V में से हमने U को माइनस किया, इसका मतलब ये हुआ कि पहले यदि उसका वेग था 15 मीटर पर सेकंड और T समय में फिर वो हो गया 25 मीटर पर सेकंड, तो हमारा जो वो हुआ परिवर्तन वो हुआ 25 में से 15 माइनस हो गए और नीचे आया टी, और ये हमारा त्वरण का फॉर्मूला होगा वी माइनस यू बाय टी, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, इससे हम त्वरण निकाल देते हैं। और त्वरण का मात्रा क्या हुआ, ऊपर तो है वेग, वेग होता है मीटर पर सेकंड, और नीचे क्या है समय, और ये सेकंड ऊपर चल गई और हमारे पास क्या आ रहा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो पहले मीटर पर सेकंड आ रहा था अब वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। एक बात और यहाँ त्वरण के बारे में है कि अब हम सिर्फ एक अंदाजा लगा रहे हैं कि यू मान लो यू है 10 मीटर पर सेकंड जो शुरू में हमने नोट किया, और टी है 1 सेकंड, और वी जो बाद में बढ़ा है 20 मीटर पर सेकंड, तो आप इसका त्वरण निकालिए। हमारा त्वरण आया है वी माइनस यू बाय टी, और ये आया 20 माइनस 10 बटे 1, और ये आया हमारा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरा आपका U तो था 20 शुरू में इतना वो था, T आपने फिर 1 सेकंड लिया है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, दूसरा उदाहरण है ये, पहला ये दूसरा, और V आया है हमारा 50 मीटर पर सेकंड, तो आपका त्वरण कितना आया, त्वरण आया हमारा V माइनस यू डिवाइड बाय T, और ये हुआ 15 माइनस 20 डिवाइड बाय 1 माइनस के 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड द थर्ड वन, यू है 10 मीटर पर सेकंड, टी 1 सेकंड, और वी भी आया है 10 मीटर पर सेकंड। अब इस स्थिति में देखिए आप, जब आप त्वरण निकालेंगे तो v आपका है 10, u है 10 डिवाइड बाय 1, और ये आया है त्वरण 0 है, इसका मतलब वेग में परिवर्तन की दर 0 है, इसका मतलब वेग उतना का उतना ही रहता है। यहां देखिए त्वरण प्लस आया है प्लस 10, इसका मतलब वस्तु का वेग बढ़ रहा है, ये देखो 10 से 20 हुआ। इस स्थिति में देखिए दूसरे में, पहले 20 था बाद में 15 था, त्वरण निकाला माइनस 5 आया, माइनस आया है, यदि त्वरण माइनस आया है इट मींस कि वस्तु का जो वेग है वो कम होता जा रहा है, और यदि वस्तु का जो वेग है वह बराबर है इसका मतलब त्वरण जो है वो वही का वही है, जो त्वरण है वो वही का वही है। और इसके साथ ही आज हमने पढ़ा है कि चाल क्या होती है, वेग क्या होता है, और वेग में परिवर्तन की जो दर होती है उसे हम त्वरण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने इस दौर में जब आप लोग घरों में हैं, हम लोग
आपको पढ़ाने का जो प्रयास कर रहे हैं, आप सभी ने अपना काम ईमानदारी से करते रहना है। रोज का काम रोज यदि निपटता रहे तो ऐसा अच्छी आपकी जो स्टडी है वो सुचारू रूप से चलती रहेगी। ओके, थैंक यू।